अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल में। वर्ल्ड कप के लिए है, रोज़ हर मैच की वीडियोस हम बनाएंगे। आज का पहला मैच था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। एक्सपेक्टेड ये था कि वन साइडेड इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराएगी, और हुआ ये कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को वन साइडेड हरा दिया। प्लस टू नेट रन रेट हो गया न्यूजीलैंड का। रविंद्र और कॉनवे ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, उसने 150 किया डेविन कॉनवे ने, और रविंद्र ने 123 किया, और बहुत अच्छे रन रेट से खेले हैं। और इंग्लैंड की बैटिंग फ्लॉप हो गई फ्लैट ट्रैक पे, बॉलिंग भी फ्लॉप हो गई। मार्क वुड उस तरह बॉलिंग नहीं कर रहा था जिस तरह उसे करनी चाहिए थी, ना उसका उस तरह पेस आ रहा था। तो मैच वन साइडेड हुआ, और अच्छा हुआ कि न्यूजीलैंड जीता। पाकिस्तान के लिए एक तरीके से ये मसला भी है, क्योंकि अब पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का और इसका ही मुकाबला था। खैर, ऑन द डे खैर आज के मैच से ये तो साबित हो ही गया कि जो टीम ऑन द डे अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड कोई आसमान से उतर के नहीं है, जो हर कोई सारे एक्सपर्ट इंडियन सब यही कह रहे हैं कि टॉप थ्री टीम तो ये पक्की होंगी। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, इनको अच्छा खेलना पड़ेगा। आज न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को बता दिया। बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेदरलैंड हो, ये टीम भी अगर जिस आप खेलोगे तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इनके साथ, तब भी आप इनसे जीतोगे। कल पाकिस्तान का और नेदरलैंड का मैच है, तो पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और मैच तब भी मिलेगा। न्यूजीलैंड का नेट रन रेट 2.+2 हो चुका है, और इंग्लैंड का -2। तो बात यह है कि नेट रन रेट बड़ा मैटर करेगा आने वाले दिनों में। इस वर्ल्ड कप में पॉइंट सेम होंगे, नेट रन रेट से टीमें आगे जाएंगी, तो पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि नेदरलैंड को उस तरह हराए कि नेट रन रेट अच्छा करे। हाँ जी, तो अब ये है कि मैच के बारे में थोड़ी सी बैटिंग के बारे में बात करें। इंग्लैंड के रूट ने 70 बनाए, बाकी कोई उस तरह नहीं चल पाया। डेविन कॉनवे और रविंद्र ने बहुत आउट क्लास इनिंग खेली। रविंद्र बहुत ज़्यादा बहुत आउट क्लास प्लेयर लग रहा है, जिस तरह हमारा साउथ शकील है। तो इंशाल्लाह कल वर्ल्ड कप के हर मैच का प्रीव्यू लाएंगे, और पाकिस्तान का कल मैच है नेदरलैंड्स के साथ, तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान राइट 11 खिलाएगा। और पाकिस्तान को चाहिए कि साउथ शकील को खिलाए, आगा सलमान को ड्रॉप करे, बाकी जिसको खिलाना है उसको खिलाए, देखते हैं क्या होता है। और बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस का प्रीव्यू, रिव्यू वगैरह जो भी हो सकेगा हम आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।